यूक्रेन के बीच 14वें दिन भी युद्ध जारी है। रूस ने विदेशी मुद्रा की बिक्री पर रोक लगा दी है। कस्टमर अपने अकाउंट से अधिकतम $10,000 विदेशी मुद्रा में निकाल सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अब रूस से तेल और गैस का आयात नहीं करेगा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। इस दौरान यूएस यूक्रेन को आर्थिक मदद के तौर पर 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा। यूक्रेन संकट के बीच यूनियन कैबिनेट की मीटिंग होगी। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। दिल्ली से जयपुर के बीच एनएच 48 पर 18 परियोजनाओं का आज शिलान्यास होगा। शाम 4 बजे सीएम अशोक गहलोत करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी लेंगे हिस्सा। यूपी के एग्जिट पोल पर सीएम अशोक गहलोत बोले, देश में जनता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वह एक दिन खुद मुक्त हो जाएंगे। बजट घोषणाओं के बाद सीएमआर पर सीएम अशोक गहलोत का आभार जताने का सिलसिला जारी। सीएमआर पर उमड़ी लोगों की भीड़। बजट घोषणाओं के लिए लोगों ने सीएम का जताया आभार। बूंदी में जाम लगने की वजह से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के देव दर्शन कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल नहीं हो रहे हैं। केशव राय पाटन रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार लगने की ये वजह बताई जा रही है। दौसा के महाराणा प्रताप कॉलोनी के 6 मकानों को चोरों ने निशाना बना दिया। चोर सभी घरों से लाखों के नकदी सहित जेवरात लेकर फरार हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,575 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 46,962 सक्रिय मामले सामने आए हैं।